हेलो फ्रेंड्स, जामिया के बीटेक की स्पोर्ट्स सेकंड लिस्ट आ चुकी है। देख सकते हो सेकंड लिस्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए भी और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी। मैं बताऊंगा जिनका सिलेक्शन हुआ है अब उनको आगे क्या करना है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको आगे क्या करना है, कहीं एडमिशन लेना है या वेट करना है, या कितनी लिस्ट आएगी, किस कैटेगरी में आएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये लिस्ट अभी अभी आई है क्योंकि मैंने शाम को वीडियो दूसरे टॉपिक पर बनाया था, जिस पर उस टाइम मैंने चेक किया था तो नहीं आई थी। इसका देख सकते हो डेट आज का है। एडमिशन अब जो भी आपको होगा सब कुछ ऑफलाइन होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, अब आगे का जो भी प्रोसेस है ऑफलाइन है, कॉलेज में जाकर करवाना है, फिजिकली कुछ भी ऑनलाइन नहीं होगा। कब जाना है कॉलेज में तो देख सकते हो, डेट 11th ऑफ सितंबर से लेकर 12th ऑफ सितंबर, दो दिन का टाइम आपको मिल रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। यहाँ देख सकते हो दोनों ही दिन, इस चीज़ का ध्यान देना है। और अगर आप कहीं दिल्ली से बाहर रहते हो तो दिल्ली आ जाओ, मतलब जल्द से जल्द, लेट मत करना। अगर हम लोकेशन की बात करें तो आपका एडमिशन होगा ऑफिस ऑफ द डीन में, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो देखो, जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा सबकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो देख सकते हो जेई मेंस का एडमिट कार्ड, जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट है वही यहाँ पर माना जाएगा। और कट ऑफ काफ़ी लोग हैं जो मैंने बताई थी, लगभग स्कोर कार्ड देख सकते हो यहाँ पर, वो भी चाहिए होगा। और देख सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 6 फोटोज चाहिए होंगी, आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप के लिए। दूसरा पॉइंट है प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट अगेन बता रहा हूँ, ओरिजिनल फोटोकॉपी साथ में रखना। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं, तो जैसे कुछ किसी ने ड्रॉप ले लिया या कुछ और दूसरा कोर्स कर लिया तो सोचते हैं हम उसका मांगे, नहीं, आपने यहाँ पर 12th के बेसिस पर एडमिशन लिया है, 12th के PCM पे, तो आपको उसी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, चाहे गैप हो या ना हो। तीसरा, अब जिनके पास नहीं अभी तक सर्टिफिकेट उनके लिए ही बात करेंगे। तीसरा, एज बेस्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी एज का प्रूफ चाहिए, जो कि आपको कंसिडर किया जाता है 10th की, मतलब सेकेंडरी हाई स्कूल या 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दोनों रख लेना फोटोकॉपी के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट देख सकते हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ से लास्ट अटेंडेड है। अब जिसके पास नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिफ्थ, माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इस चीज़ का ध्यान देना है, और मिलता भी है स्कूल से। सिक्स, यहाँ पर प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बट आधार कार्ड सबसे कॉमन होता है क्योंकि आधार कार्ड ही लेते हैं, उसी की फोटो कॉपी। सेवन्थ, यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, लाइक OBC, ST, अगर PWT है 8th पॉइंट तो भी कैटेगरी, कश्मीर माइग्रेंट अपनी कैटेगरी के, जम्मू कश्मीर अपनी कैटेगरी के, तो जो भी आपकी कैटेगरी अप्लाइड है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, आपको किसी कैटेगरी में सेलेक्ट कर दिया गया है, तो टेंशन मत लो, वो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने सेलेक्ट किया, उनकी गलती है, अगर इन द केस मैं बोल रहा हूँ। 11th पॉइंट देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सिर्फ ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट पूरा नहीं चाहिए फिजिकल, यहाँ पर सिर्फ जैसे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होता है, कहाँ होता है, जहाँ पर भी आपके लोकेशन में ब्लड का चेकअप होता होगा वहीं पे होता है। 12th पॉइंट भी, बहुत सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर वीडियो में ये पॉइंट समझाता हूँ, क्योंकि न्यू एडमिशन भी होते हैं, न्यू सिलेक्शन। यहाँ 12th पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रिफ्रेंस दी हुई है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th, तो यहाँ पर आपका ब्रांच अपग्रेड ही होगा, अपग्रेड करवाने के बाद 2nd से 1st पे जाओगे, डिग्रेड नहीं होगा, चाहे सिविल ऊपर रखा हो या नीचे रखा हो, मैटर नहीं करता, कोई भी ब्रांच। 13th पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका यहाँ पर गैप है, देख सकते हो अगर आपने सपोज ड्रॉप लिया है जेई की तैयारी के लिए या फिर कोई दूसरा कोर्स कर लिया है, अगर आपका 1 साल या उससे ज़्यादा का गैप है तो आपको गैप का सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, नहीं है तो उसके लिए भी आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या करना है। 14th पॉइंट यहाँ पर है, एंटी रैगिंग का आपको एफिडेविट चाहिए होगा या अंडरटेकिंग, नहीं है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। 15th पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो फीस है वो आप कैश भी दे सकते हो और UPI भी कर सकते हो। देखो, रेगुलर की जो फीस है वो अप्रॉक्स 17,000 के अराउंड लेकर चलो, और सेल्फ फाइनेंस की फीस तो वैसे 1.5 लाख है, बट एडमिशन के टाइम 84,000 के अराउंड अप्रॉक्स लग रही है, सेमेस्टर वाइज ये लेंगे, बाकी कुछ जो बचा है बैलेंस वो अगले सेमेस्टर में लेंगे। अब फीस का जो स्लिप है वो आगे का सब प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। 16th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्लिप आपको मिलेगी बैंक से जब फीस जमा करवा दोगे तो वापस आपको अपने ऑफिस ऑफ द डीन में सबमिट आकर करवाना है। ये पॉइंट मैं आपको लास्ट जब प्रोसेस बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस डिटेल में तब आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 17th पॉइंट, अगर किसी को रेगुलर से सेल्फ फाइनेंस में अपग्रेड हुआ है फर्स्ट टाइम, सपोज फर्स्ट टाइम अपग्रेड की बात नहीं, अपग्रेड तो हो सकता है रेगुलर टू रेगुलर, बट अगर पहली बार सेल्फ फाइनेंस मिल रहा है तो आपको अपनी फीस देनी होगी एक्स्ट्रा जो लग रही है सेल्फ फाइनेंस की, जिस डेट में बुलाया है। अगर नहीं देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब पहली सीट तो जाएगी ही जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पर उल्टा है 18th पॉइंट में, अगर किसी का सेल्फ फाइनेंसर रेगुलर में अपग्रेड हुआ है तो आपको जो है कुछ नहीं करना, सॉरी 18th पॉइंट में ये दिया है कि अगर आपका मैंने बताया 17th में कि अगर आपका अपग्रेड होता है सेल्फ फाइनेंस में और अगर आप फीस नहीं देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कोई भी मतलब ऑब्वियसली आपने अपग्रेड किया यानी अपनी सीट छोड़ी लास्ट वाली, अपग्रेड पर आपको सेल्फ फाइनेंस का कोई ब्रांच मिला आपने उसकी फीस नहीं दी तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 19th पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, 19th में उल्टा है यानी कि अगर आपको सेल्फ फाइनेंस रेगुलर में मिल रहा है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो रिफंड है वो जब सारे एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे बीटेक में तब जाके आपको रिफंड मिल जाएगा, 19th पॉइंट है। और देखो 20th पॉइंट बोल्ड लेटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही हैं, इसमें यदि है जो डेट मैंने आपको बताई ऊपर उन दो दिनों के अंदर अगर आपने एडमिशन नहीं लिया या फीस नहीं दी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको आगे के राउंड्स के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सपोज किसी का फर्स्ट टाइम यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है किसी ब्रांच में स्पोर्ट्स राउंड टू में, वो सोच रहा है कि नहीं अपग्रेड अपने आप हो जाएगा मैं नहीं लेता हूँ एडमिशन, क्या पता सिविल से मैकेनिकल मिल जाए, तो नहीं होता, वो आपको बाहर कर देंगे, उन्हें वो ऐसा कंसिडर करेंगे आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है इसलिए आप एडमिशन करवाने नहीं आए। अब बातें बहुत हो गई, कट ऑफ दिखा देता हूँ, देख सकते हो एक चीज और बता रहा हूँ, जिसके भी दूसरे कट ऑफ सॉरी कैटेगरी वाले हैं आप सब अपने अलग अलग कैटेगरी का चेक कर लेना, किसी को भी किसी में डाल देते हैं ये। VLSI की सेल्फ फाइनेंस की बात करें जनरल 1,56,000, ये सारी CRL में है, इस चीज का ध्यान देना है, जामिया में कैटेगरी रैंक एक्सेप्ट नहीं होती और आप हर कैटेगरी में चेक करो, अगर मुस्लिम वीमेन हो तो भी जनरल में करो, या ये देखो अपग्रेडेड वाली लिस्ट है, दो जनरल में अपग्रेड हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें तो जनरल में 13 सेलेक्टेड हुए हैं, काफ़ी सारे, मुस्लिम में 5, OBC में 3, मुस्लिम वुमेन में 1 और JK में 1। तो यहाँ पर आप हर कैटेगरी में मैच करो, हर ब्रांच और कैटेगरी में, ज़्यादा बड़ी लिस्ट अब नहीं है, काफ़ी कम है। CSE डेटा साइंस यहाँ पर भी इसकी आई हुई है और सिर्फ जनरल में, मैंने बोला था कि जनरल की बहुत लास्ट तक कट ऑफ जाती है 83,000। और इवन यार एक कोर्स है जामिया में MBA में तो जनरल की कट ऑफ लो गई हुई है बाकी कैटेगरीज से, तो ऐसा होता है जनरल वाले बहुत घबरा जाते हैं बट ऐसा नहीं है, यहाँ सेल्फ फाइनेंस में सिर्फ अपग्रेड हुआ है देख सकते हो एक कैंडिडेट का जनरल में। और यहाँ बात कर लेते हैं ECE यानी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रिकल है सेल्फ फाइनेंस की बात, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर सेल्फ फाइनेंस 147, 148, 148, तो काफी सिमिलर हो जाते हैं लास्ट में जाके कट ऑफ, इस चीज का ध्यान देना है, आप यहाँ अच्छे से चेक करो। अब ये PDF की लिंक, तो लिंक देखो PDF की नहीं है, जहाँ से रिजल्ट चेक करना है उस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से रिजल्ट अपना चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कितने सिलेक्शन हुए हैं, तो काफी कांग्रेचुलेशंस आप सभी को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। मैकेनिकल की बात कर लेते हैं 139, 156, 157, 160, अगेन सारी CRL में है बट सिविल की कट ऑफ सबसे लो गई है जानेंगे। यहाँ अपग्रेडेशन हुआ है जैसे देख सकते हो सिविल से किसी का VLSI से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 10 अपग्रेड जनरल में, मुस्लिम में यहाँ पे 2 अपग्रेड है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन में देखो 1 सिलेक्शन जनरल में, 6 मुस्लिम में। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या अगली लिस्ट आएगी या किस कैटेगरी में आएगी वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स तक में भी यहाँ पर 73,000 जनरल में गया, सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कट ऑफ नहीं आई है, सारी सीटें फुल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ पर 2 स्टूडेंट का अपग्रेड हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन इलेक्ट्रिकल से, बहुत लकी हो क्योंकि पहले बहुत हाई कट ऑफ जाती थी। इलेक्ट्रिकल की यहाँ बात करें देख सकते हो मेरे एक फ्रेंड के देखो आई थिंक 32-33,000 रैंक थी जनरल में, उसको कंप्यूटर में अपग्रेड नहीं हुआ, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया, तो देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वही JMI से ही वो पास आउट है, तो इतनी हाई कट ऑफ पहले जाया करती थी। अब सिविल की बात कर लेते हैं 159, 165, 167, 172, 229। मैं एक दिन में एक ही वीडियो लेके आता हूँ आप सबको पता है, मैंने ऑलरेडी 2 घंटे पहले वीडियो कर दी थी NIT प्लेसमेंट पे, बट ये अभी रिजल्ट आया तो मैंने सोचा इस पे कर देता हूँ, बहुत अर्जेंट है ये क्योंकि अगर कल करता तो फिर आप कहीं दिल्ली से बाहर रहते हो। देखो कितने सिलेक्शन हुए, 18 यहाँ जनरल में, 21 जनरल में सिलेक्शन हुए हैं, फिर उसके बाद मुस्लिम में, इतने सारे सिविल में, तो सिविल में अभी चांसेस हैं, तो अभी टेंशन मत लो। OBC और अब OBC वाले घबराओ मत, या कैटेगरी वाले की सिर्फ 3 आपको जनरल या मुस्लिम में भी डाल के सिलेक्शन किया जा सकता है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वीमेन हो या इंटरनल हो, JK हो, टेंशन नहीं लेना। यहाँ तो हमने लिस्ट देख ली, अब बात कर लेते हैं कि अब आगे का एडमिशन प्रोसेस क्या है, जिनका सिलेक्शन हुआ है क्या करना है। फर्स्ट टाइम सिंपली आप दिल्ली में आओ, किस डेट में, यहाँ देख सकते हो 11th और 12th में, मैं बोलता हूँ 11th को आओ, अगर कुछ रह जाता है तो 12th में करवा देना। 11th को आपको मॉर्निंग 9 AM पहुँच जाना डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफिस ऑफ द डीन में, गेट नंबर आई थिंक 4 या 8 से आप चले जाना, किसी से ही पूछ लेना। उसके बाद वहाँ ऑफिस ऑफ द डीन में सबसे पहले जाते ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देना, उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे, एक्चुअली वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं आपको मार्क करने हैं कि ये मेरे पास है, 12th की मार्कशीट है, कैरेक्टर है, अगर जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है
वो आप वो ब्लैंक छोड़ोगे, वो आपको खुद बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है अब आप कर ले कर आओ। कहाँ से लेके आओ? अब जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी का नहीं है, एंटी रैगिंग का एफिडेविट नहीं है, तो वहाँ पर आपको वो बोलेंगे कि जामिया में ही बन जाता है, जहाँ पर बैंक है, आई थिंक गेट नंबर 3 है वो, बैंक इंडियन बैंक के साइड में ही स्टेशनरी है, वहाँ पर सारे एफिडेविट बन जाते हैं जितने भी हैं। एडमिशन के टाइम काफ़ी भीड़ रहता था, बट अब तो कम भीड़ रहेगा क्योंकि काफ़ी लिस्टें आ चुकी हैं। तो वहाँ पर कुछ आधे घंटे के अंदर आपको सारे एफिडेविट 15-20 मिनट बनाकर दे देंगे, वो कुछ पैसे लेते हैं 100-150, फिर वो वापस आपको आके सबमिट करवाना है। पहले स्टेशनरी मत पहुँच जाना, पहले डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस जाना, वो खुद आपको बताएंगे क्या क्या करवाना है, क्या काम क्या कमी पड़ गया। फिर ये सारे बनवा के एफिडेविट आप दे दोगे, फिर सारे जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद आपको ऑफिस से ही फीस का स्लिप मिलेगा, चाहे रेगुलर हो या सेल्फ फाइनेंस। अब वो फीस आपको देनी है कहाँ पे? इंडियन बैंक, जहाँ आपने स्टेशनरी मैंने आपको बताया, वहाँ जाकर आप सबमिट करवाओगे इंडियन बैंक में। वो आपको जब फीस सबमिट हो जाएगी तो एक स्लिप देंगे, वो स्लिप लेके बहुत से स्टूडेंट घर चले जाते हैं, ये गलती नहीं करनी, एडमिशन वहाँ फुलफिल नहीं हो, पूरा नहीं होता। वो स्लिप वापस अगर आपको आके ऑफिस ऑफ द डीन में सबमिट करवानी है, जहाँ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और वही स्लिप आपका आईडी कार्ड का काम करता है, जब तक आईडी कार्ड आपको नहीं मिला है, जैसे लाइब्रेरी जाना हो या कैंपस विजिट करना हो। तो यहाँ तक तो एडमिशन प्रोसेस था। एक चीज़ और, आप अपग्रेड के लिए ज़रूर डालना, चाहे कोई भी लिस्ट हो, एडमिशन के टाइम जब आप जाओगे तो अपग्रेडेशन फॉर्म पे आप कर देना। सिविल मिला है, क्या पता अगले में आपको मैकेनिकल मिल जाए या कोई और ब्रांच मिल जाए, तो आप अपग्रेड हमेशा किया करो, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो यार, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है टेंशन मत लो, मैं आपको बता देता हूँ, VLSI में आनी चाहिए। देखो इतने सिलेक्शन हुए हैं तो आप वेट कर सकते हो, आनी चाहिए, 99% मैं बोल रहा हूँ, 100% कोई फ्यूचर नहीं जानता। VLSI, मैकेनिकल, सिविल, इन तीन ब्रांचेज में तो 99% मैं आपको बता दूं आएगा, और जो जनरल नहीं है टेंशन मतलब आपको जनरल में डाल के सिलेक्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। और यहाँ पर मैं आज वीडियो लेकर नहीं आया कि लिस्ट, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि अब लिस्ट नहीं आएगी या आ क्यों नहीं रही, मुझे पता था एक दो दिन में आ जाएगी, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका था कि एक दो दिन में आ जाएगी, फिर मैं बार बार क्यों बताता, वही चीज़ है, मतलब आप भी परेशान हो जाते हैं, बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज़। सो इसीलिए यहाँ वीडियो कंप्लीट जाती है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।